भूपेश बघेल कैसे नहीं जीतेगा? जब पूरा छत्तीसगढ़ के किसान मन होला वोट दे है तो कका कैसे नहीं जीती? भैया हो ये कहना मोर नो हरे, ये कहना हरे छत्तीसगढ़ के किसान मन के जिन मन ला अपन कका ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। जय जोहार सोमवारी हो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक, मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में चुनाई खत्म हो गए है और अब 4 तारीख के अगोरा है जब रिजल्ट आही और वेदारी 11 में से 11 सीट में जीत का जिन दावा करा थे तिन काकर पूरा हुई यूँ देखने वाला बात हुई। लेकिन ये बीच राजनांदगांव के अगर हमन बात करें तो जो किसान है राजनांदगांव के मन उमन बहुत हैरान करने वाला जवाब दे है संगवारी हो। बता दें कि भूपेश बघेल जिन है पूर्व मुख्यमंत्री तेखर किसान महिला मजदूर मन के बीच एक अलग ही पहचान है और खास तौर पर तब जब भूपेश बघेल के सरकार यहाँ रही से तो किसान मन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करे रही से और कर्ज माफी घलो कर दे रही से। जैसे ही सरकार बनी सो खर 1 घंटा बाद कर्ज माफी हो गए। अब भूपेश बघेल जिन ये काम करी से तेन हाँ किसान मन के दिल में घर कर गए है और किसान मन हाँ ओला अपन हितैषी मानते हैं। आज घलो मन ये माना थे कि भूपेश कका आई तो कहीं ना कहीं उखर मन के फिर उद्धार हो जाए। एक नाराजगी किसान मन के मन में एकर वजह से भी रही से जब साई सरकार बनी था भले धान के समर्थन मूल्य बढ़ा देगी लेकिन एकदम लेट लतीफी कर दी शायद सरकार पैसा दे मा। हालांकि ओखर पीछे के जो कारण रही सो मन खुद बताई से कि बजट की वजह से जो है थोड़ा लेट लतीफी हो गए। लेकिन किसान तो किसान हरे भैया और छत्तीसगढ़ में किसान मन के तूती बोलते किसान चाहे तो सत्ता में बैठा सकते और किसान चाहे तो सत्ता ले उतार घलो सकते। तो अब का हुई से कि किसान मन के मन ल टटोले बर छत्तीसगढ़ तक हा एक चौपाल करी से जेमा किसान मन हा बढ़ चढ़ के अपन बात से उमन ये कह रही से कि बीजेपी के सरकार में किसान मन भयभीत थे काना वाले के आए किसान मन बर और खास तौर पर किसान मन यहाँ तक ये घलो की दे है कि जेन भूपेश कका करे है तेन हाँ केंद्र के मोदी सरकार घलो नहीं कर सके। अब देखो ये बात तो मैं आप मन ला बता दे हूँ आगे और का कुछ की से भैया किसान मन हाँ अब आप मन ला सुना देता हूँ। दान के बाद किसान जो है 5 साल भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री करके छत्तीसगढ़ जो काम करे है निश्चित तौर पे किसान मन संतुष्ट है। किसान मन के कर्जा माफ करे गे रही से 2500 में 5 साल तक धान के खरीदी करे गे रही से और बहुत सारा मजदूर मन के साथ साथ किसानी योजना आगे बढ़ाए के लिए गौठान योजना सहित बहुत सारा किसान इसमें काम करे है। निश्चित तौर से कर किसान मजबूत हो है और सबसे बड़ी बात जिन हमार कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में जिन 5 न्याय अलग अलग वर्ग के लिए युवा वर्ग के लिए महिला के लिए किसान के लिए न्याय योजना किसान मन के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। GST जब खत्म कर दे जाए न्याय योजना से तो हमला कृषि यंत्र के जितका सामान है सस्ता मिली और खाद बीज में बहुत किसान राहत मिली। एक किसान के जो न्याय योजना जो निकाला थी कांग्रेस पार्टी एकर से किसान भाई मन कांग्रेस के हित में माननीय भूपेश बघेल जी वोट डाले हुए। क्या मुद्दे है अभी रहे इस बार संतोष पांडे के 5 साल के निष्क्रियता और भूपेश बघेल के सक्रियता सबसे बड़े मुद्दा रहे और विशेष करके किसान मन के लिए जो न्याय योजना ला है बहुत बड़ी योजना है। मोदी की गारंटी और कांग्रेस का किसान न्याय पत्र कौन कारगर साबित हो रहा है? किसान न्याय पत्र जो निकाले कांग्रेस के ये कारगर रही। ये मोदी जी गारंटी दे है बोलते कि जेकर यहाँ बोर है वहाँ पे लाइन के जगह में सौर ऊर्जा लगाया जाए तो सौर ऊर्जा पहले से लगाया जाए कोई नया योजना है नहीं है। और केंद्र के एक योजना हमारे छत्तीसगढ़ में देखने नहीं मिला है। किसान आज भयभीत है डर है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में किसान भाई मन उठ डाले। तो ये तो हो गए किसान मन के बाद जितना जिन उमन की ही से कि जिन काम कका करे तेन तो केंद्र के मोदी सरकार घलो नहीं कर सके। एक अलावा और जिन एक जन किसान भाई है तेन कही थे कि छत्तीसगढ़ में जतका जन किसान मन है तेन मन जम्मो जम्मो भूपेश बघेल ला वोट दे है वे दारी भूपेश बघेल हा ही जी थी। आवो आप मन ला ओखरो बयान सुना दे था। माननीय श्री भूपेश बघेल जी से हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं किसान हैं। जो काम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन किसानों के लिए किया है वो तो केंद्र की मोदी सरकार भी नहीं कर सकता। भूपेश बघेल ने बोला था कि 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदूंगा तो 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदा और इसके पहले रमन सिंह की सरकार थी वो तो 2 साल का बोनस भी नहीं दे पाया था। ऐसे आनंद फानंद ने बोनस दिया जिस किसान का तो सर्वे भी नहीं कराया और ऐसी बोनस बांट दिया। हमारा भी नंबर था हमको तो नहीं मिल पाया तो भूपेश बघेल जीता था। भूपेश बघेल काबर नहीं जीती जी पूरा गांव के किसान मन जीता था। छत्तीसगढ़ के किसान मन तो ओकरे साथ था पूरा। तो संतोष पांडे काबर नहीं जीते?
संतोष पांडे निष्क्रिय कारण नहीं जीते। अब जेन आप मन सुना तो कि किसान मन हा भूपेश बघेल के जीत ला लेके तरह से बयानबाजी देवा थे, लेकिन ए बीच में जेन एक लड़का है, युवा लड़का जेन हा ओकर पिता नहीं है तो वो किसानी करे लग गए है, तेन जेन बात करी तेन वाकई एकदम मन ला मोह ले वाले बात करी से बहुत बड़े बयान लड़का दे दिस। लड़का ये कहा थे कि भाई मैं हा एक खिलाड़ी घलो हरों, और जब भूपेश काका के सरकार रही से तो हमन ला बहुत फायदा होत रही से, पिता नहीं है तो मैं हाँ किसानी घलो करता हूँ और मैं बहुत अपन आप ला प्राउड फील करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के हर हूँ, और कका जिन काम करी से ओला लेके मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ओकर अलावा लड़का हाउ का कुछ कहा थे यूल सुनो। खासकर भूपेश सरकार की जो नीति आ रही है वही बेस्ट है, क्योंकि कका रही से तो सब होत रही से, और हमला गेम में खिलाड़ी हरों गेम में भी बहुत सपोर्ट करत रही से, और मैं है एक मतलब पापा नहीं है किसानी भी करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य जो किसान के जो धान के मूल्य ओला बढ़ाई से, वो सबसे बड़ी बात है कि काका इतना बड़े कार्य करे, वही ओकर लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के हरों और मोर काका धान के मूल्य ला बढ़ाई से। काबर छत्तीसगढ़ में युवा ज़्यादा नहीं, किसान सबसे किसान के बेटा ही युवा बनते जॉब करत है, तो किसान मन के तो ही बेस्ट है भाई छत्तीसगढ़ में, यही कहना मोर काका ही यही, और देखता ना आगे। तो ये महालक्ष्मी योजना को लेकर क्या बोलते हैं आप? 1,00,000 रुपए देने की बात हुआ था साल में, उसका प्रोसेस अभी चलेगा ना भाई, मतलब कि काका आएगा, काका तो आएगा ही, उसके बाद आगे निरंतर चलता ही रहेगा, और अगले साल काका 5 वर्ष के बाद काका आएगा ही। तो देखो भैया हो, जिन किसान मन है तेगन मन तो एकदम एक स्वर में कहा थे कि भूपेश काका तो जीता थे, वो अभी के बात नहीं कर रहे थे ही मना, अब भैया 5 साल बाद फिर भूपेश काका के सरकार आई, ये भविष्यवाणी तक किसान मन और खासकर युवा लड़का मन तक हो ये बात ला कहा हुए आप मन सुने हो हूँ। और अब देखो संतोष पांडे काबर नहीं आए, तेला लेके कहा थे कि जिन निष्क्रिय हरे हमन तो जानन घलो नहीं संतोष पांडे ला, और का नवा कर थे वो, कुछ नवा नहीं कर थे किसान मन बर, तो कुछ नहीं कर रहे थे भैया, तो हमर जन कका है जम्मो जन किसान मन हा कका ला जितावा था ना, कका है दारी राजनांदगांव सीट ले जीता थे, तब उखर मन की ये जो बयान है, उखर मन के जो विश्वास है कका के जीत ला लेके एक कतका सही साबित होते ते एन तो अवैया 4 जून को ही पता चल जाए संगवारी हो, लेकिन फिलहाल उखर मन के बयान ला दे के ये जरूर लगत है कि जिन हिसाब से कहे जाते कि शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र यानी किसान मन जहां पर बहुत आयता से निवास करते और ग्रामीण क्षेत्र में भर भर के वोटिंग हुए, यानी आज वो घलो कहूँ ना कहूँ जिन कका के पकड़ है तेन किसान मन के साथ आज भी जुड़े हुए नजर आते हैं, और यही कारण है कि जब कका प्रचार प्रसार करे बर गी से तो वो किसान मल्ला सबसे ज्यादा साधे के कोशिश करी से, महिला मल्ला सबसे ज्यादा साधे के कोशिश करी से, और तो महिला के साथ साथ मजदूर मल्ला घलो साधे के कोशिश करी से, और जो नारी न्याय गारंटी योजना यहाँ पर निकाले है और जैन घोषणा पत्र यहाँ पर बनाए कांग्रेस आ ओमा भी कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल सरकार के पिछले सरकार के जो घोषणा पत्र रही से ओकर झलक देखे बर मिलते, यानी कुल मिला के देखे जाए तो किसान मतलब साधे के जो दाव खेले है कांग्रेस आ वो दाव हा कहीं ना कहीं फायदा देवात नजर आते। बहरहाल ये रिपोर्ट में अतका ही संगवारी हो, छत्तीसगढ़ ले जुड़े इसी तमाम खबर मन से अपडेट रहे बर देखत रहो आप मन के अपन चैनल छत्तीसगढ़ तक, अमोला दो विदा, जय जोहार, नमस्कार।